अब भारत आ गया है केंद्र में, जहां ये नए कमांडोज दिख रहे हैं तालिबान के, तो वहीं अब इसके सफाई के लिए भारत उतरेगा B-52 बॉम्बर्स, स्टिल्थ ड्रोन, लैंड बेस्ड सेंसर्स और बड़े हाईटेक हथियारों के साथ। तो वहीं जाते जाते भारत के दिए हेलीकॉप्टर्स निकल चुके हैं। जो काम अमेरिका को करना चाहिए था वो भारत ने किया, तो वहीं आखिर भारत ने गरुड़ कमांडोज क्यों भेजे, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये कोई अमेरिकी स्पेशल कमांडोज हैं। अमेरिकी हथियार, अमेरिकी हेलमेट, अमेरिकी सूट, सब कुछ तो अमेरिकी है। तो यहाँ पे आप गलत हैं और आप चौंक जाएंगे कि ये कोई और नहीं है बल्कि तालिबान का स्पेशल कमांडो फोर्स है। बिल्कुल सही सुना आपने, तालिबान ने अपना स्पेशल कमांडो फोर्स बनाया है और इस फोर्स में अमेरिकन स्टाइल की हेलमेट देख रहे हैं जो नाइट विजन के साथ है, अमेरिकी बॉडी आर्मर, USM4 राइफल, टैक्टिकल नीपेड, टैक्टिकल रेडियो आर्मर, ये सारे हथियार जो भी आप देख रहे हैं ये हथियार दरअसल हैं अमेरिका के। अमेरिका का ब्लंडर अब सामने आ रहा है। तालिबान ने ये तस्वीरें जारी की है और इस तस्वीरों के बाद बाइडेन तो शर्म से पता नहीं कहां चले जाएंगे। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि तालिबान की अपनी खास फोर्स बनी हुई है। अब बच गया ये जो हथियार और ये जो पोशाकें, ये चीजें देख रहे हैं आप, इसमें से कुछ भी तालिबान ने खरीदा नहीं है, ये सारे अमेरिकन है, ये अमेरिकी फोर्स से, अफगान सेना से लूटी गई है और जो हथियार छोड़ कर गया है अमेरिका उस पर कब्जे के बाद इन्होंने ये रूप दे दिया है। अब दुनिया ये सवाल कर रही है कि बाइडेन ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या से क्या कर दिया है, अब इतनी बड़ी तबाही ला दी है जिसका असर सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा दिखेगा। एक तरफ अमरुल्ला सालेह ये कह रहे हैं कि मैं हूँ राष्ट्रपति, दूसरी तरफ ये बिरादर ये कह रहा है कि मैं हूँ राष्ट्रपति। अब मुल्ला बिरादर और अमरुल्ला सालेह, इन दोनों के बीच में तालिबान ने ये तस्वीरें जारी करके ये दिखलाई हैं कि हमारे पास ताकत है और असल में हमारे पास खास फोर्स है, इसलिए हमारी ही बात मानो, हमारी ही चलेगी। यहाँ अब एक अलग ही खेल हो गया है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, भारत में भी पड़ने वाला है, चीन में भी पड़ने वाला है और पाकिस्तान की तो छोड़ दीजिए, वो तो गर्त में ऐसे जाएगा, डुरंड लाइन को मानेगा नहीं तालिबान और पाकिस्तान को भी मिला लेगा अफगानिस्तान में और फिर वहाँ भी शरिया कानून लागू होगा। इंतजार कीजिए, अगर तालिबान का सफाया नहीं होता है तो वहाँ समस्या सबसे बड़ी आएगी। भारत में वही, अगर इस तरह के हथियार पहुँच गए भारत में जो आतंकवादी हैं उनके हाथों में, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। AK-47 पहले आम तौर पर दिख जाता था तालिबानियों के हाथ में, लेकिन अब हो गया है USM4 राइफल्स और ये सब कुछ अमेरिका ने दिया है, चाहे देना चाहा हो या न चाहा हो। बाइडेन ने निकलने से पहले चीजों को खत्म नहीं किया, चीजों को समाप्त नहीं किया, जिसका असर अब पूरी दुनिया भुगतेगी और जो काम अमेरिका को करना चाहिए था वो काम दरअसल अफगान सेना के जवानों ने किया है। अफगान सेना के जवानों ने अब ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट और ज्यादा से ज्यादा हथियारों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें अभी भी कई इलाकों पे लड़ाई चल रही है, यहाँ तक कि अफगानी वायुसेना इतने खतरे के बावजूद कि उज्बेकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार कर देता है, मार कर गिराने की कोशिश करता है, जो भी लड़ाकू विमान उसकी तरफ आते हैं फिर भी अफगानिस्तान के वायु सैनिक अपने एयरक्राफ्ट को ले जाकर उज्बेकिस्तान में लैंड कर रहे हैं ताकि ये तालिबान के हाथ न लगे। कुल 47 अफगान एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं उज्बेकिस्तान और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि उसमें शामिल है भारत के 5 MI हेलीकॉप्टर्स भी, जिनको भारत ने दिया था अफगानिस्तान को दोस्ती के नाते। तो तालिबान के जो ये खास स्पेशल फोर्स बदरी 313 है, ये इस वक्त बहुत चर्चा में है और इसे देखकर तो पश्चिमी जगत को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा और कैसे करना है। बड़े सही समय पर इसे लॉन्च किया है तालिबान ने, इन तस्वीरों को दुनिया भर में फैलाया है, पर अब लगता है जैसे कि इस तालिबान के सफाई के लिए भारत से ही शुरुआत
होगी। क्या उपाय है? एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस जिंदा हो चुका है, नॉर्दर्न अलायंस भी लड़ने को तैयार है, अमरुल्ला सालेह ने भी घोषणा कर दी है कि वही है राष्ट्रपति और दुनिया अब धीरे धीरे मान भी रही है वही है राष्ट्रपति, पर इन सब के बीच में भारत का रोल हो जाता है काफी खास। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान जो रोल प्ले करने वाले हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने 1994 में भी तालिबान का पूरा साथ दिया था और आज भी तालिबान का पूरा साथ दे रहा है। यहाँ तक की बात ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध तक लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पैर इस वक्त पीछे खींचे हैं कि अभी हम मान्यता नहीं देंगे जब तक पूरी दुनिया नहीं दे देती है या तैयार नहीं होती है इसके लिए। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मिडिलमैन की तरह चीन और तालिबान के बीच एक्ट कर रहा है, मतलब आने वाले समय में दिक्कत पैदा होगी इस इलाके में तो पहले नंबर पर आएगा भारत। भारत का नॉर्थ वेस्ट इलाका, ये इलाका समस्या में आएगा, इसलिए भारत को यहाँ तैयारी आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? अफगानिस्तान में तालिबान रूल बहुत गंदा होने वाला है, इस पर कोई शक नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोले लेकिन होगा वही। और पाकिस्तानी चाइनीज इन्फ्लुएंस अगर इस रीजन में बढ़ता है तो भारत के लिए तो बड़ी मुसीबत होगी और अफगानिस्तान फिर से बन जाएगा आतंकियों का बहुत बड़ा स्वर्ग। इसलिए भारत और अमेरिका अब चाह रहे हैं एक बड़े इंटेलिजेंस मिशन को जारी करना, और ये खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ होगा, जिसकी वजह से भारत में बन सकता है एक बेस और जिसमें तैनाती होगी B-52 बॉम्बर्स, साथ ही साथ ग्राउंड बेस सेंसर्स की और लॉन्ग रेंज स्टिल्थ ड्रोन की। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिस प्रस्ताव के जरिए भारत के पास अमेरिकी और भारतीय सैनिकों को मिलाकर एक खास यूनिट बनाई जाएगी जिसका नाम होगा QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स। ये टीम ऐसी टीम होगी जिसके पास स्टिल्थ ड्रोन, टॉप लेवल के सेंसर्स और वो सारे एडवांस हथियार होंगे जो तालिबानी लड़ाके के सफाई के लिए जरूरी हो, खास करके इस नॉर्थ वेस्ट इलाके में अगर घुसने की कोशिश करता है तालिबान तो भारत अमेरिका कि ये यूनिट जबरदस्त जवाब दे सके और चीन पाकिस्तान के मंसूबों को तोड़ सके, यहीं से सीधे स्ट्राइक हो इनके ऊपर। पर क्या ये भारत के लिए सही होगा? अमेरिका का जैसा इतिहास है अमेरिका पर यकीन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये आगे चलकर भारत के लिए खतरा बनेंगे, इसलिए भारत को खुद की तैयारी अभी से ही करनी होगी। उस वक्त अगर हम मांगेंगे कि हमें B-52 बॉम्बर्स की मदद दे दो, हमें ड्रोन्स की मदद दे दो तो शायद न मिले, आज खुद अमेरिका ये देने को आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तरह की यूनिट बनने देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।